हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं कि एरोप्लेन के इंजन की टेस्टिंग कैसे की जाती है। एरोप्लेन के साइज के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती है और एक एवरेज कमर्शियल पैसेंजर प्लेन की कीमत 600 से 1600 करोड़ रुपए तक होती है। एरोप्लेन में एक समय में एक साथ बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं और इन लोगों की जान एरोप्लेन और उसके पायलट के हाथों में ही होती है। इसीलिए एरोप्लेन की सर चकराने वाली कीमत और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एरोप्लेन और उसके दिल या टेक्निकल भाषा में बोले तो उसके इंजन को जबरदस्त टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। एरोप्लेन की टेस्टिंग में ही करोड़ों रुपए का होता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि एरोप्लेन के इंजन की टेस्टिंग कैसे की जाती है। प्लेन को उड़ान भरने से लेकर लैंडिंग तक बहुत सारे वेदर चेंजेस यानी मौसम में बदलाव से गुजरना पड़ता है। कभी बारिश, बहुत धूप, बिजली कड़कना, ओलावृष्टि, बर्फ, आंधी और सबसे खतरनाक पक्षी का टकराना और अचानक हुए ये बदलाव अगर एरोप्लेन ना झेल पाए तो जान और माल दोनों का भारी नुकसान होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसे देखते हुए एरोप्लेन को इतनी टेस्टिंग करके इन अचानक हुई अनफेवरेबल कंडीशंस को झेलने में सक्षम किया जाता है। अब जो हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। एरोप्लेन उड़ान भरने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। इसके लिए इंजन पर पहले वाटर टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग में हर मिनट में 3000 लीटर पानी को हाई फोर्स से प्लेन इंजन पर मारा जाता है। ये सब ये जांचने के लिए किया जाता है कि कभी अचानक तेज बारिश और ओलावृष्टि से प्लेन का इंजन सुरक्षित रहेगा कि नहीं। एरोप्लेन बहुत ऊंचाई में उड़ता है। ज्यादातर पश्चिम देशों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और एरोप्लेन को बहुत ठंडे बादलों से होकर घंटों सफर करना पड़ता है। इतनी ठंड में कहीं इंजन जम ना जाए और काम करना बंद कर दे। इसको टेस्ट करने के लिए एरोप्लेन के इंजन को ठंडे वातावरण में रखा जाता है और बर्फीले तूफान का इंजन पर असर देखने के लिए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को चलते हुए इंजन पर डाला जाता है, जिसके बाद ये पता किया जाता है कि बर्फ के टुकड़े एक प्लेन को कितना डैमेज कर सके। अगर टेस्टिंग के बाद कोई क्षति पाई जाती है तो इंजन को मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है और इसकी डिजाइन खामियों को दूर कर उसे और सुरक्षित बनाया जाता है। जो अगली टेस्टिंग हम आपको बताने जा रहे हैं वह देखने और सुनने में बहुत अजीब लगेगी, पर यह एक बहुत आम और खतरनाक समस्या है जिसके कारण एरोप्लेन की बहुत बार इमरजेंसी लैंडिंग होती है। दरअसल हवा में उड़ते हुए प्लेन में पक्षी से टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इस तरह की दुर्घटना प्लेन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक पक्षी की वजह से विमान में बैठे सभी यात्रियों की जान खतरे में आ सकती है। ऐसे में इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करके पक्षी के टकराने की टेस्टिंग करती है और असेसमेंट करती है कि ऐसी घटना इंजन को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इस टेस्टिंग में विंडशील्ड और इंजन दोनों की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में चिकन गन नाम की एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस गन के जरिए हाई स्पीड बर्ड स्ट्राइक की टेस्टिंग होती है, जिसमें मरे हुए मुर्गों को प्लेन के इंजन में हाई स्पीड में दागा जाता है। इसके बाद प्लेन के इंजन के ब्लेड और डिजाइन का टेस्ट किया जाता है। प्लेन के इंजन 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट या RPM के हिसाब से घूमकर प्लेन हवा में उड़ते हैं। ऐसे में अगर इन ब्लेड्स को नुकसान पहुंचता है तो प्लेन ठीक से काम नहीं कर पाएगा और किसी हादसे का शिकार हो जाएगा। इसलिए ब्लेड्स की टेस्टिंग किया जाना बहुत जरूरी है और ब्लेड टेस्टिंग के लिए इंजन के अंदर विस्फोटक या एक्सप्लोसिव रखे जाते हैं और उनमें ब्लास्ट किया जाता है। और अगर उन विस्फोट में प्लेन में लगे ब्लेड्स को किसी तरह का नुकसान होता है या वो बाहर आ जाते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर रिडिजाइन किया जाता है और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सब परफेक्ट और सेफ नहीं हो जाता। बहुत बार विमान बहुत स्थानों में और मौसम के बदलाव को देखते हुए अधिक या कम ऊंचाई में उड़ते हैं, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक उतार या चढ़ाव होता है, जिसका विमान के कार्य करने पर असर पड़ता है। ऐसे ही रास्ते में आने वाली किसी भी मौसम में बदलाव के विमान में असर को जांचने के लिए विमान वैक्यूम चैम्बर परीक्षण किया जाता है। चैम्बर में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की नकल करने के लिए सभी उपकरण होते हैं। इस टेस्ट से ये डिटरमिन किया जाता है कि इंजन इन कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करता है। यदि सब कुछ अच्छे से चलता है तो इंजन अगले परीक्षण के लिए तैयार किया जाता है। अब देखिए, आप प्लेन में बैठे हो और बारिश हो रही हो और बिजली भी कड़क रही हो, ऐसे में तो सब लोग भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। पर यात्रियों की जान और प्लेन की सुरक्षा के लिए प्लेन के इंजन को लाइटनिंग टेस्ट से भी गुजरना होता है। वैसे तो खराब मौसम में प्लेन उड़ने की परमिशन नहीं होती, पर आसमान में उड़ते हुए अचानक मौसम खराब हो जाता है और विमान को बारिश और बिजली कड़कने जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्लेन का ऊंचाई पर होना उस पर बिजली गिरने के चांसेस को और बढ़ा देता है। और अगर ऐसा होता है और अगर उड़ते हुए प्लेन पर हल्के से भी बिजली गिरती है तो हो सकता है उस बिजली के कारण प्लेन के इंजन हवा में ही बंद हो जाए। तो इस मुसीबत से बचने के लिए प्लेन निर्माण में कार्बन फाइबर फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है और जांच के लिए कारखाने में टेस्टिंग के दौरान जब प्लेन उड़ान भरता है तब इस पर कोई नुकसान ना हो जाए इंजन के ऊपर हाई वोल्टेज करंट गिराकर ऑपरेशनल कंडीशन में। इन सभी टेस्टिंग के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इसे पास करती है। हर देश का अपना अपना फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद हवाई जहाज के प्रोडक्शन शुरू की जाती है। तो दोस्तों, हमें यकीन है आपको ये जानकारी बहुत रोचक लगी होगी और हमारी इस वीडियो से आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि तो हुई होगी। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान वृद्धि के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।